कि मैं जो भी करूँगा एक अलग करूँगा, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो मेरे मतदाता जो हैं अब ऑफिस का चक्कर नहीं लगाएंगे, मैं खुद उनके घर तक जा कर के ये सेवा दूंगा, उनसे जो भी फॉर्म फिलअप कराना है जहां तक हो सके मैं कोशिश करूंगा कि वो ऑफिस का चक्कर नहीं लगाए। बिना कुछ किए जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। हम कभी पैसा को लेकर के किसी बच्चे का एडमिशन हो या फीस हो उसके लिए हम किसी को बाध्य नहीं किए। अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आकर के कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और बच्चे को पढ़ाना है, तो मैं निःशुल्क बच्चे का जितने दिन तक मेरे स्कूल में रहता है वो मैं बिना पैसे का, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो पहले से, मैं 15 साल हो गया शिक्षा के क्षेत्र में और भी सारे स्कूल में भी मैं एडमिशन भी फ्री में करवाता हूँ। नगर निकाय चुनाव को लेकर के नामांकन की प्रक्रिया विगत एक सप्ताह से जारी है। विभिन्न निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के उम्मीदवारों के द्वारा अपने अपने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया जा रहा है। इसी कड़ी में मैं मौजूद हूँ गोपालगंज जिले के मीरगंज नगर मुख्यालय स्थित वार्ड नंबर 15 के अभ्यर्थी और शिक्षाविद सामाजिक कार्यकर्ता कन्हैया प्रसाद जी के साथ। कन्हैया प्रसाद जी के द्वारा भी आज मीरगंज नगर परिषद क्षेत्र संख्या 15 से अपने नामजदगी का पर्चा वार्ड सदस्य के रूप में हथुआ के अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी राकेश कुमार जी के कार्यालय में दाखिल किया जा चुका है। आज कन्हैया प्रसाद जी मेरे साथ हैं और समाज की सेवा में इनकी बहुत रुचि रहती है। विगत कुछ वर्षों से सामाजिक कार्यों में बहुत अग्रणी भूमिका निभाते हैं, समाज के प्रत्येक लोगों के सुख दुख में सदैव खड़ा रहते हैं। कन्हैया प्रसाद जी, इनके द्वारा 15 नंबर वार्ड से वार्ड सदस्य के लिए अपना पर्चा दाखिल किया गया है। आज इनसे बहुत बिंदुओं पर चर्चा होगी और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन किन एजेंडों को लेकर के कन्हैया प्रसाद जी जनता के बीच जाएंगे और किन मुद्दों पर जनता से वोट मांगेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। जी थैंक यू। आप समाज के सेवा में शुरू से लगे रहे, आपके द्वारा एक विद्यालय भी संचालित होता है और शिक्षा से आपका बड़ा गहरा नाता है। आपके द्वारा आज मीरगंज नगर परिषद क्षेत्र संख्या 15 से बतौर वार्ड सदस्य के रूप में नामजदगी का पर्चा दाखिल किया गया है। अब आप जनता के बीच जाएंगे और लोगों से वोट मांगेंगे, क्या वोट मांगने का आपका आधार होगा और किस मुद्दे को लेकर के आप लोगों के पास जाएंगे और लोगों से वोट मांगेंगे? अगर जनता आपको वोट देती है और आपके माथे पर जीत का सेहरा बनता है तो जनता के लिए सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी मीरगंज में जो सड़क है, जो नाला है, उसमें जो गंदगी के चलते आज के डेट में जो डेंगू का जो बहुत सारे मरीज गोरखपुर रेफर हो गए हैं, हम खुद गोरखपुर जा कर के वहाँ भी देखे। और सबसे प्रमुख समस्या है सफाई, सड़क, नाला और शिक्षा और चिकित्सा। सबसे यहाँ पे मीरगंज में चिकित्सा का भी अभाव है। चिकित्सा को लेकर के कोरोना काल में भी हम लोग देखे बहुत सारी परेशानियाँ हुई, बहुत सारे जो चिकित्सा के अभाव में। कोई ढंग का सरकारी अस्पताल आपके मीरगंज शहर में नहीं है, जब हमको लगता है कि सहारनपुर मंडल का छपरा सिवान गोपालगंज के बाद सबसे प्रतिष्ठित और बड़ा शहर है मीरगंज। यहाँ सरकारी अस्पताल एक है भी तो उसकी बड़ी दयनीय स्थिति है। मीरगंज एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और यहाँ बिजनेस तो लोग बहुत अच्छे अच्छे व्यवसायी मिल जाएंगे, लेकिन आपको चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत पीछे है। सबसे पहले मुझे शिक्षा और चिकित्सा को भी लेकर के हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे शिक्षा और चिकित्सा के व्यवस्था। शिक्षा के लिए तो आप शुरू से अलख जगाते आ रहे हैं, आपका एक विद्यालय संचालित होता है सब्जी मंडी मीरगंज में। उस विद्यालय के बारे में कहा जाता है कि अधिकांश गरीब लोगों के बच्चे उसमें निःशुल्क पढ़ते हैं। हाँ ये सही बात है। हम कभी पैसा को लेकर के किसी बच्चे का एडमिशन हो या फीस हो उसके लिए हम किसी को बाध्य नहीं किए। अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आकर के कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और बच्चे को पढ़ाना है, तो मैं निःशुल्क बच्चे का जितने दिन तक मेरे स्कूल में रहता है वो मैं बिना पैसे का, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो पहले से, मैं 15 साल हो गया शिक्षा के क्षेत्र में और भी सारे स्कूल में भी मैं एडमिशन भी फ्री में करवाता हूँ, ले आकर के बच्चों को एडमिशन कराता हूँ, ये सब मीरगंज के नागरिक जानते हैं। वस्त्र भी बच्चों को आप फ्री में देते हैं, पुस्तक भी फ्री में देते हैं, क्या उसका लाभ मिलेगा? लोग आपके इस सहानुभूति का लाभ दे पाएंगे, इस बार आपका सहयोग करेंगे? बिना कुछ किए जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो मैंने जो किया है उसी का मुझे फल मिलेगा, मुझे विश्वास है मीरगंज के जनता के ऊपर। वार्ड संख्या 15 के जितने भी मतदाता हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, एक बार मुझ पर भरोसा करें ताकि मैं उन लोगों को फिर 5 साल बाद मुझे
ज़्यादा परेशानी किसी को नहीं होगी मुझे चुनने में। आपके नज़र में सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके क्षेत्र में? अभी तो तत्काल जो भी स्टेशन रोड है, आपको हथखौली रोड है, मैं हमेशा चूँकि LIC एजेंट भी हूँ जिसके चलते मैं हमेशा भ्रमण करता रहता हूँ हर गली, स्टेशन रोड के गली में जितने गरीब बस्ती है, उसके बाद से हथखौली रोड में जो पानी रोड पे बह रहा है, मुझे ध्यान है, मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके इस समस्या का समाधान हो। कोरोना से आज आम से लेकर के और खास लोग सब लोग त्राही माम कर रहे हैं। कोरोना के इस विषम परिस्थिति में भी आप कोरोना के संक्रमित मरीजों को देखने के लिए उसके घर के अलावे गोरखपुर तक चले जा रहे हैं, लगातार तमाम उम्मीदवार क्षेत्र में हैं, लोगों से भ्रमण कर रहे हैं, मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप सब कुछ छोड़ के मरीजों के पीछे पीछे उनके इलाज में सहयोग करने के लिए गोरखपुर तक चले जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि आप क्षेत्र छोड़ के बाहर हैं और आपके प्रतिद्वंद्वी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, आपका वोट बिगड़ नहीं रहा है? नहीं, मुझे विश्वास है और यहाँ मुझे सेवा करने के लिए ही मैं वहाँ भी गया, वहाँ देखा, वहाँ पे बहुत सारे मरीज़ हैं। मीरगंज क्या, गोपालगंज ज़िले से कम 200 से 300 मरीज वहाँ भर्ती हुए हैं और मैं कल गया था, पूरा दिन भर 2-3 घंटे तक मैंने वहाँ रहा, सबका हालचाल जाना और जो भी मैंने उन लोगों से पूछा कि जो भी दिक्कत हो वो हमसे बताएं, मेरे कुछ गोरखपुर में खास लोग हैं, मैं उनके द्वारा उन लोगों को मदद करने का आश्वासन देकर आया हूं और फिर जरूरत पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। मुझे विश्वास है मैं चुनाव आराम से जीत जाऊंगा, मुझे जनता के ऊपर भरोसा है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इन तमाम पेंशनों के लिए अधिकांश जो समाज के निचले पैदान पर खड़े लोग हैं वे लोग दौड़ते दौड़ते कार्यालयों में थक के बैठ जाते हैं, उनको पेंशन नहीं मिल पाता है। यह समस्या शायद आपके वार्ड में भी है, वहाँ तो बहुत कम होगी क्योंकि वहाँ पिछले वार्ड सदस्य जो थे बहुत सक्रिय थे और उनके द्वारा बहुत कार्य भी कराया गया है। वहाँ की जनता चिल्ला भी रही है कि काश वे इस बार भी रहते तो उनको हम लोग जिताते, लेकिन दुर्भाग्य से वे उस सीट से इस बार नहीं लड़ रहे हैं। उनके द्वारा बहुत काम कराया गया है, जो कार्य शेष बच गया है वहाँ जो नहीं हो सका किन्हीं कारणों से, उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी काम बचा हुआ है और विधवा पेंशन और या जो भी सरकारी सुविधा जो भी मिलने वाला है, मैं जो आपने बताया कि दौड़ने वाली बात, तो मेरे मतदाता जो हैं अब ऑफिस का चक्कर नहीं लगाएंगे, मैं खुद उनके घर तक जा कर के ये सेवा दूंगा, उनसे जो भी फॉर्म फिलअप कराना है जहां तक हो सके मैं कोशिश करूंगा कि वो ऑफिस का चक्कर नहीं लगाएं। जनता के लिए क्या संदेश देंगे, कौन कौन काम प्रमुखता से आप लिए हैं जिसको कि आप सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर उसको निपटाएंगे? सबसे पहले मुझे सड़क और नाला, चिकित्सा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा को लेकर के भी मीरगंज के लोग जो बाहर जाते हैं, यहाँ कोचिंग की अच्छी व्यवस्था नहीं है, या कोचिंग भी जो है वो जो है उसमें आपको व्यवस्था के नाम पर नगण्य है, तो मैं कोशिश करूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में, चूँकि बच्चे जब शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो मैं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के मैं जो जितना हो सके मुझसे वो उतना मैं करूँगा, उसमें 100% सफलता से काम करूँगा। लोगों के लिए, लोगों से क्या अपील करेंगे अपने लिए? लोगों से अपील यही करेंगे कि एक बार मुझे मौका दें, ठीक है, और उसके बाद से मैं आप लोग उन लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो भी करूंगा एक अलग करूंगा, जितने वाले कोई अलग काम नहीं करते वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। कन्हैया प्रसाद जी हैं और वार्ड नंबर 15 के वार्ड सदस्य के उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल कर चुके हैं और लगातार डोर टू डोर जा कर के, घर घर जा कर के एक एक मतदाताओं से मिलना और सबसे अपने मुख्य योजनाओं को बताना कि किस आधार पर वोट लेना है, जीतेंगे तो क्या करेंगे, तमाम एक एक बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं और सबसे मिल रहे हैं। शिक्षा से इनका बड़ा गहरा नाता है और चिकित्सा से भी इनका बड़ा गहरा नाता है। LIC के अभिकर्ता भी हैं जिन्हीं कारणों से लगातार घर घर जाना इनका शुरू से यह रूटीन में शामिल रहा। विद्यालय संचालित होती है जिसके चलते मीरगंज के अधिकांश लोग इन्हें वाई नेम और वाई फेस बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। ऐसे लोग अगर समाज में किसी पद के लिए चुनाव लड़ते हैं और जनता के बीच सहयोग के लिए आगे आते हैं तो जनता को एक बार पुनः विचार तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षित लोग आगे बढ़ेंगे और समाज का नेतृत्व करेंगे तो विकास अपने आप स्वतः दौड़ने लगेगी। मीरगंज नगर परिषद वार्ड संख्या 15 के उम्मीदवार और शिक्षाविद LIC के अभिकर्ता कन्हैया प्रसाद जी के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय।